सोने से आलू के बाद अब पीएम मोदी देंगे गोबर से सीएनजी। जी हाँ, अब गाय के गोबर से भी बनेगी सीएनजी। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गोबर से बनती सीएनजी के बारे में। मध्य प्रदेश में अब गाय के गोबर से सीएनजी बनेगी। राज्य की पहली बायो सीएनजी बनाने वाली यूनिट शुरू होने जा रही है। इससे तैयार होने से सीएनजी से ग्वालियर नगर निगम के वाहन तो चलेंगे ही, बल्कि आम लोगों को भी इसका इस्तेमाल के लिए देने की योजना बनाई जा रही है। ग्वालियर में स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी लाल टिपोरा गौशाला में ये यूनिट तैयार किया गया। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम मंत्रीगण और अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा संचालित राज्य की सबसे बड़ी गौशाला ग्वालियर के लाल टिपोरा में है। इसका संचालन कुछ साल पहले संतों को सौंपा गया और ये देश की सबसे आदर्श गौशाला बन गई। यहाँ लोग अपने जन्मदिन से लेकर मैरिज एनिवर्सरी तक मनाने आते हैं। इस गौशाला में अभी 9,850 गौवंश हैं और उनका बसेरा यही है। यहाँ हर रोज़ 100 टन गोबर निकलता है। इससे यहाँ पर स्थापित हो रहे प्लांट में भी 2 टन बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। गौशाला के प्रबंधन से जुड़े संत स्वामी त्रिबला देवानंद ने भी कहना है कि ये मध्य प्रदेश में किसी गौशाला में अनूठी पहल है। गोबर सच में धन के रूप में बदलेगा। गैस बनाने के बाद निकलने वाले वेस्ट को खेती में उपयोग कर लिया जाएगा और साथ ही उसे बेचा भी जाएगा। बताया गया कि ये मध्य प्रदेश का अपने तरह का पहला बायो प्लांट है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि गोबर से गैस बनाने वाला राज्य का अपनी तरह का ये पहला संयंत्र है। यूं तो इंदौर में पहले से बायो सीएनजी प्लांट है, लेकिन वहाँ इसके लिए गीले कचड़े का उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ सिर्फ गोबर का उपयोग किया जाएगा, वो भी सिर्फ गौवंश का गोबर। इसकी स्थापना पर लगभग 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये खर्च इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उठाया। इस समय बायो सीएनजी की मांग सामान्य सीएनजी से ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि बायो सीएनजी में 95% मीथेन होता है, जबकि सामान्य सीएनजी में 90%। यही वजह है कि बायो सीएनजी से मिलने वाले वाहनों का माइलेज ज़्यादा निकलता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।